1713 विक्रमी संवत, 1656 ईस्वी संवत, 1656 सन, वीरवार 14 जुलाई, सावण वदी 9 नूं धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी का अज दे दिहाड़ियां ते सतवें पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु हरराज साहब जी के ग्रह विखे धन माता कृष्ण कौर जी की कुख तो सच्चे पातशाह जी का पावन अवतार होया। धन धन पिता धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। ओ पिता धन गुरु हरराज साहब जी, ओ माता धन माता श्री माता कृष्ण कौर जी, ओ सोड वंश कुल, ओ धरती पूज नीक है जिथे मेरे सतगुरां ने अज दे दिहाड़े ते महान बख्शिशां कीतियां। बाला प्रीतम सतगुरु धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी का जे इतिहास आपां वेखीए विचारीए तो बहुत विस्थार दे विच सतगुरु जी दे इतिहास की विचार हो सकती है। समा बहुत संखेप दे विच अपनी रफ्तार तुरिया ही जा रहा है। सत संगत जी, जे धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने शब्द अपनी रसना तो उच्चारण किए हैं, श्री हर कृष्ण ते आईआ जिस डिठे शब्द उडाए, तो बाल अवस्था तो सतगुरु महाराज जी ने ऐसे अणगिणत कौतक किए हैं। इस लुकाई के दुखों नूं दूर करन वास्ते इन्नियां रहमतां इन्नियां बख्शिशां मेरे सतगुरु जी ने कीतियां हन जिन्हां दा वर्णन नहीं किया जा सकता। 5 साल तो कुछ उत्ते सतगुरु जी दी शरीर दी अवस्था सी, जदों सतवें पातशाह जी ने आप जी नूं धन श्री गुरु नानक देव साहब सच्चे पातशाह जी दे पावन गुरता गद्दी दा सिंघासन बख्शिश किया। ब्राह्मणा ने ईरखा विच आ के सतगुरु जी दी महिमा नूं सन्मान नूं सतगुरु जी दी कीर्ति नूं ना सहारदियां होया एक कोड़ी ब्राह्मण जिस रस्ते सतगुरु जी पालकी दे विच कीरतपुर साहब विखे संगतां नूं दर्शन देण वास्ते सुभायमान हो के जाया करदे, संगतां बड़े अदब नाल सतगुरु जी नूं पालकी विच बिठा के सजा के सुभायमान करके दर्शन दीदार वास्ते लै के जाया करदियां। ईरखालू ब्राह्मणा ने एक कोड़ी ब्राह्मण रस्ते दे विच पा दिता कि वेखिए धन गुरु हरकृष्ण साहब विच उतनी शक्ति है, उतनी करामात है, उतनी बरकत है जिन्नी पहले सतगुरां दे विच सी। इन्हां नूं तां बहुत छोटी बाल अवस्था विच गुरतगद्दी दित्ती गई है, इन्हां विच गुरुआं वर्गी कोई कला कोई शक्ति कोई करामात कोई बरकत है जां एवें इन्हां नूं गुरतगद्दी दे दित्ती सतवें पातशाह जी ने अपना छोटा साहिबजादा जाण करके। इस ईरखा नूं लै के एक कोड़ी ब्राह्मण, और यह ब्राह्मण भी किवें कोड़ दा रोग लगा, भोगंग ता रोगंग, जिन्ने मनुख वकार भोगदा उन्ने ही रोगां दा शिकार हो जांदा, और रोगां दा ते पापां दा जन्म सात संगत जी कुसंगत विच्चों हुंदा। जदों मनुख कुसंगत विच जाण लग पवे ना, कुसंगत दे विच कुसंगी मनुखां दा ऐसा असर मनुख दी आत्मा उत्ते रूह उत्ते जीवन दे विच पै जांदा कि मनुख शुभ गुणा नूं त्यागण तों देरी नहीं करदा। कुसंगत विच जांदा, कुसंगत दा असर होया शराब दा सेवन नशियां दा सेवन करदा, कुकर्मां दे विच प्रवृत्त हो जांदा, और जिस दे फलस्वरूप शरीर दे उत्ते कोड़ दा रोग आ के सात संगत जी अपना थान लै लैंदा है, और कोड़ दे रोग दा बड़ा इलाज करवाया कितों भी इलाज नहीं होया।
ब्राह्मण लोगों ने सिख्या सिखाई कि धन गुरु हरकृष्ण साहब जी की जो पालकी आएगी रस्ते लम्मा पै जाई तेनू कोढ़ दे रोग की दवाई लैन की लोड़ नहीं, उन्होंने आपे तेरा कोढ़ का रोग दूर कर देना। उन्होंने मन में खोट सी जे तो गुरु साहब ने कोढ़ का रोग ठीक कर दिता फिर तो असी मन लवेंगे कि वाकई गुरु नानक साहब की अठवीं जोत है, उन्होंने अठवें स्वरूप हैं, जे ना ठीक कर सके तंदुरुस्ती का दान ना दे सके तो फिर असी दुनिया नूं दसांगे कि एवें गुरु बना के इन्हां नूं बिठा दिता, इन्हां विच गुरुआं वाली कोई भी शक्ति गुरुआं वाला कोई गुण भी नज़र नहीं आया। सो ब्राह्मण ने रस्ते दे विच लम्मियां पै के विरलाप करना शुरू कर दिता, जैतन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी बिरलाए। विरलाप करदा पालकी तुरी जांदी रुक गई है। सतगुरु जी पुछदे आ बाला प्रीतम धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी सेवादारा नूं गुरसिखा नूं संगतां नूं भाई पालकी क्यों रोकी गई है? अर्ज की गई सच्चे पातशाह कि कोड़ी लोग कोड़ी ब्राह्मण तुहाडी पालकी दे अगे लम्मा पै गया है, तरले करदा है, बेनतियां करदा है कि मेरा कोढ़ दा रोग दूर करो, मैनू तंदुरुस्ती दा दान बख्शिश करो, आप कृपा करो। तो उस समय साध संगत जी धन श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी कहन लगे उस नूं चुक के साडे पास लिया। जदों लिया गया अपने हत्थां विचों रुमाल दे के सतगुरु कहन लगे भाई इस रुमाल नूं जल विच डुबो के इस रुमाल दा जल छक लैणा कर और बाकी दा रुमाल अपने सारे शरीर ते फेर लै, तेरा सारा कोढ़ दा रोग दूर हो जाएगा। पर एक गल चेते रखी, जेड़ी कुसंगत करके तेनू ये रोग लगा ना उस कुसंगत विच अज तो बाद नहीं जाना। सतसंगत करनी है, नाम जपना, गुरबाणी पढ़नी है, गुरसिखी धारण करके सेवा सिमरन भाव भगती अते सत्संगत दे विच ला के इस मनुखा देह नूं सफली कर। ये मनुखा देह की कोई कीमत अदा नहीं कर सकता, दुनिया की दौलत भी जे खर्च कर दईए तां भी ये मनुखा तन मनुख नूं कदे प्राप्त नहीं हो सकता अपनी मर्जी दे नाल। ये वाहिगुरु की कृपा नाल इन्नी अमोलक मनुखा देह मिली है, पही प्राप्त मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया। इस नूं सफली कर, कुसंगत विच जाण तों पाप कर्म करन वलों अपने आप नूं रोक के रखे। सतसंग जी सतगुरु जी दे रुमाल दा जल पीता, जिमें जिमें शरीर उत्ते रुमाल फेरिया, जिथे जिथे रुमाल फिरी जांदा उत्थों उत्थों कोढ़ दे रोग दा नामो निशान भी नाल नाल ही खत्म होई जांदा। ऐसी बरकत, ऐसी अमृत भरी दृष्टि, अमै दृष्ट शुभ करै हरे अग पाप सकल मां। सतसंग जी बड़े सतगुरु जी दे महान महिमा भरे ये गुर इतिहास विच प्रसंग आउंदे है। सतगुरु जी दे चरणां दे विच सतसंग जी एक बेविचारी बेसवागामी ब्राह्मण सतगुरु जी दे चरणां विच आया। धन गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह उस वल वेख के सच्चे पातशाह अंतरजामी सतगुरु अपने मुखारबिंद तो बचन कहन लगे तो बड़ी उच्ची कुल विच जन्म लिया, ब्राह्मणा दे घर दा जन्म है, विद्या भी बड़ी पढ़ी है, पर कर्म तेरे पापियां वाले है, बड़े निखिध कर्म तू कर रहे हैं। सत्संगत दे विचों अपने मनुखा जीवन नूं सफल कर। ये बेविचार ये कुकर्म करने त्याग दे। वो ब्राह्मण हाथ जोड़ के कहन लगा सच्चे पातशाह बड़ा यतन कीता, मन उत्ते
कोई जोर नहीं पैंदा, बस नहीं चलता, तुसी कृपा करो। सतगुरु महाराज कहन लगे चंगा, धन गुरु नानक साहब जी की बाणी श्री जपजी साहब का पाठ करिया कर, तेरा मन ऐन कुंदन वांगू निर्मल हो जाएगा, वकारा का कदे तेरे मन विच फुरना भी नहीं उठेगा। सत संगत जी, ऐसी कृपा धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने की, एक वकारी नूं बेविचारी नूं नाम दी बाणी दी दात बख्श के, ब्रह्म ज्ञान दी दात दे के नदरों नदर निहाल कर दिता सच्चे पातशाह। भाई पंजाबा मसंद सतगुरु जी दे चरणा विच आया, कहन लगा सच्चे पातशाह बाणी बड़ी पढ़ी दी है, बाणी विच मन नहीं जुड़दा, कागर नहीं हुंदा। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी आखन लगे, तेरी किरत दसा नौहों दी धर्म दी किरत नहीं, तेरी नेक किरत नहीं, नेक किरत करिया करना। गुरु घर दी जो कार भेटा करो ना, उस विच अमानत विच कदे ख्यानत नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी। तू गुरु घर दा धान भी चराउना ते नेक किरत भी नहीं तू अपने जीवन विच वरतदा, ते मन तेरा इस करके मलीन हो चुका। सियाणा दा कथन है, जैसा अन्न तैसा मन। जिहो जिहा पदार्थ खावांगे उस दे संस्कार बन के मन दे अंदर उहदे फुरनियां दे रूप विच मन उत्ते उहदा असर पै जाया करदा। सो सत संगत जी, भाई पंजाबा सतगुरु महाराज जी दे चरणां च गए आया, हजूर ने ऐसी कृपा की, उहदा मन बाणी नाल नाम नाल हमेशा लई जोड़ दिता। कीरतपुर साहब दे इलाके विच लोग जमदियां लड़कियां नूं मार दिया करदे सन, सतगुरु जी ने अकले अकले सिख नूं प्रेरणा दे के लड़कियां मारनियां बंद करवाइयां, और धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे बचना उत्ते हर एक प्राणी मात्र नूं पहरा देण दा उपदेश बख्शिया। सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै राजां, किन्निया क महान बरकता महान बख्शिशां हन मेरे सतगुरु जी दियां। ऐसे सतगुरु धन सतगुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहब। संगत जी, अपने सरगुण सरूप विच ही नहीं मेरे सतगुरु ने संसार दे दुख कट्टे। अज भी पंजोखरा साहब, आ पिछले दिनी संत बाबा राम सिंह जी नानक सर सिंगड़े वाले सात संग जी बैन ब्रेन हैमरेज हो गया, जबान बंद हो गई, कोई मूहों शब्द नहीं बोलिया गया, किन्ने साल शरीर दी ऐसी हालत रही। अज भी करनाल कोले सिंगड़े नगर विच उन्हां दा स्थान है, जाके पुछ लो। सिंघां नूं नालदियां नूं इशारा कीता कि मैनू श्री पंजोखरा साहब लैके जाओ और मेरे लिए सतगुरु जी दे चरणां च अखंड पाठ करवाओ। अखंड पाठ करवाए गए और संतां नूं सतगुरु जी दे स्थान श्री पंजोखरा साहब लैके गए, जेडे सरोवर भाई छज्जू झीवर नूं सतगुरु जी ने इशनान करवाया सी ना, उस सरोवर विच इशनान कीता, अखंड पाठ साहब दा भोग चौंकड़ा मार के सुनिया, अरदास होई। जदों हुक्मनामा होया ना, वाजा लै के स्टेज ते बैठ गए ते नाल ही साध संग जी गुरबाणी दा कीर्तन शुरू कर दिता। भाव जिहड़ी रसना कम नहीं ना करदी सी, एडा वड्डा अटैक उन्हां नूं आया होया सी, जबान तो कोई शब्द भी नहीं बोल सकते सन। कैसी कृपा की धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने, ये थोड़े दिनों की बख्शिश है। सारी दुनिया विच ये घटना सारे संसार ने अपनी अखी वेखी अते सुनी है। पिंगल पर्वत पार परे खल चतर बकीता, मूक ऊचरै शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए। धन गुरु हरकृष्ण साहब जी ने उन्हां नूं अपने अस्थान तो सच्चे पातशाह जी ने बोलण दी ये शक्ति बख्शिश की। हजारे दुनिया उत्थे दर्शन करती है, अरदासां करवाउंदी है, गुंगियां नूं बोलण दी दात, कन्नां तो बहरियां नूं बोलियां नूं सुणन दीआं दातां। भाव अज भी धन गुरु हरकृष्ण साहब जी दीआं बख्शिशां सदा ही श्रद्धावान भावना वालियां नूं प्रेम वालियां नूं
सिदक वालियां नूं, श्रद्धा वालियां नूं प्राप्त हो रही हैं।